सो बेस्ट बात मुझे एडोबी ऑडिशन का ये लगता है कि इसमें कोई चीज़ को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग ये मेरा ये फाइल देख लेंगे तो वीडियो कैमरा का है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ओपन हो जाएगा। अनलाइक दूसरा कोई DAW में तो पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है MP3 या वेब फॉर्मेट में। तो अपना माउस का इस्तेमाल कर सकते, स्क्रॉल करके जूम कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ और ये जो ये देख रहे हैं ये सब फ्रिक्वेंसी का ये नॉइस है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तब मुझे बस कंप्यूटर को बताना कि नॉइस है, तो राइट क्लिक मारना, कैप्चर नॉइस प्रिंट में क्लिक करना है, फिर आप लोग इफेक्ट सेक्शन से में भी कर सकते हैं। तो आप लोग का कैप्चर हो चुका है, ठीक है ना। अब कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, जूम को छोड़ना है स्क्रॉल से ही, ठीक है ना। नॉइस रिडक्शन में जाना है, जैसे पहले हम लोगों ने कैप्चर किया था, तो दोबारा पहले में जाने की जरूरत नहीं है। अब नॉइस रिडक्शन प्रोसेस में जाना है, यहाँ पर आप लोग का नॉइस कैप्चर हो चुका है उसको। अब देखिए यहाँ पर सेटिंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा साउंड का नॉइस को कम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग का अंडर वाटर साउंड आ रहा है। बस डिफॉल्ट जो है उसी को अप्लाई कर दीजिए, बस थोड़ा सा समय लगेगा बस। अब अगर आप लोग देखेंगे पहले की तरह, तो जो फ्रिक्वेंसी सब आगे था वो सब गायब हो चुका है, अब आप लोग देखेंगे बिना नॉइस का साउंड। देख भाई, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं प्लीज काम के टाइम पे तो ऐसे चेहरा बना के मत आया कर यार। तो तुमको देखता हूँ तो मतलब मेरा बुरा टाइम सब जिंदगी का याद चलाता है। तो यही बहुत अच्छी बात है एडोबी ऑडिशन में कि इसमें कोई चीज़ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।